दोस्तों नमस्कार। कल हम बात कर रहे थे पार्टिसिपल के बारे में, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने कल पढ़ा था। आज हम बात करेंगे पास्ट पार्टिसिपल की, आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो देखिए दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब आप सभी जानते हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। नॉन फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब मुख्य क्रिया नॉन नहीं, जो सेंटेंस में मुख्य क्रिया का कार्य नहीं करती, एक ऐसी वर्ब को हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पास्ट पार्टिसिपल एक ऐसी वर्ब है जो एक एडजेक्टिव का कार्य करती है, एडजेक्टिव का ये कार्य करती है एडजेक्टिव की तरह, और पास्ट का एक्शन शो करती है, यानी हमें पास्ट के कार्य को बताती है, पास्ट के एक्शन को ये हमें बताती है। बात करेंगे हिंदी रिकॉग्निशन का। हिंदी रिकॉग्निशन, हिंदी पहचान, कोई भी हिंदी का सेंटेंस हम बोलते हैं और उस हिंदी सेंटेंस में आने वाली हिंदी वर्ब में यदि जुड़ता है कर, सॉरी हुआ, हुई, हुए, ये शब्द अगर जुड़ते हैं हिंदी वर्ब में, तो उस हिंदी वर्ब को हम क्या कहते हैं? उस हिंदी वर्ब को हम कहते हैं कि ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। ता हुआ, ती हुई, ते हुए। और ये एक सेंटेंस में एडजेक्टिव का कार्य करता है, एक विशेषण का कार्य करता है, पास्ट के एक्शन के बारे में हमें बताता है। अब देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करा देता हूं। देखिए मैंने कहा कि मैंने एक मरा हुआ सांप देखा। तो आप इस हिंदी सेंटेंस में देखिए, वर्ब में हुआ, हुई, हुए शब्द मैंने आपको बताया है कि अगर किसी भी हिंदी वर्ब में हुआ, हुई, हुए शब्द जुड़ता है तो वहां पर कौन सा पार्टिसिपल होता है? वहाँ पर हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। और पास्ट पार्टिसिपल के लिए रूल होता है हमारा, पास्ट पार्टिसिपल के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है पास्ट पार्टिसिपल इक्वल होता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए जो थर्ड फॉर्म होता है उसको हम पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं, इसीलिए तो जहां पर पास्ट पार्टिसिपल होगा वहां पर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैंने एक मरा हुआ सांप देखा। आई सा अ डाइड स्नेक। तो यहां पर डाइड जो है हमारा क्या हुआ? पास्ट पार्टिसिपल हुआ। और विशेषता बता रहा है, देखिए मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव का कार्य करता है, तो इसने नाउन स्नेक का विशेषता बताया है कि नाउन स्नेक कैसा है? मरा हुआ है। ऐसे मैंने कहा उसने अपना खोया हुआ पैन पाया। उसने अपना खोया हुआ पैन पाया, तो यहां पर देखिए हुआ शब्द जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा। ही फाउंड हिज लॉस्ट पैन। उसने अपना खोया हुआ पैन पाया, तो यहां पर लॉस्ट जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया गया है पास्ट पार्टिसिपल, ये हुआ हमारा पास्ट पार्टिसिपल। बात करेंगे खोया हुआ समय, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। खोया हुआ समय, हुआ शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है लॉस्ट, लॉस्ट टाइम नेवर रिटर्न, लॉस्ट टाइम नेवर रिटर्न्स। तो यहाँ पर देखिए लॉस्ट ये हुआ हमारा पास्ट पार्टिसिपल।
तो देखिए बिल्कुल विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। यहाँ पर पेन की विशेषता बताइए, खोया हुआ है। यहाँ पर समय की विशेषता बताई है, समय भी खोया हुआ है। तो कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। मैंने कहा कि हमने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। तो यहाँ पर देखिए हुआ शब्द जुड़ा हुआ है लिखने में, वर्ब हमारा लिखना है और हुआ शब्द यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर होगा हमारा पास्ट पार्टिसिपल। हमने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा, वी सा, वी सा समथिंग रिटन ऑन द वॉल। तो यहाँ पर देखिए रिटन जो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल हुआ। इसी तरह से हम बात करेंगे हमने खोया हुआ, हमने खोया हुआ पर्स पाया, क्या हो जाएगा, वी फाउंड लॉस्ट पर्स, वी फाउंड लॉस्ट पर्स। तो यहां पर लॉस्ट क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हुआ। तो इस तरह से अगर हुआ हुई हुए सब जुड़ता है, बात कर रहे हैं हुआ हुई हुए, तो अगर ये शब्द जुड़ता है किसी भी हिंदी वर्ब में तो वहां पर हो जाता है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। और यदि इससे पहले हम पढ़ के आए हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर यहां पर ता ते ती शब्द जोड़ देते हैं, तो अगर ता ते ती शब्द जोड़ देते हैं तब हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और यदि ये ता ते ती शब्द को हटा देते हैं, केवल हुआ हुई हुए शब्द जुड़ा हुआ होता है, तब हमारा पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग समझ लेंगे, और बाकी कुछ नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल आराम से पढ़ लेंगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप कर सकते हैं, समझ आ जाए तो एक बार में ही ठीक है, अगर समझ ना आए तो दोबारा से फिर से वीडियो को प्ले करके दोबारा देखिए, नहीं समझ आता तीसरी बार देखिए, नोट्स बनाइए, लगातार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगली क्लास में।